रमापुर नामक गांव में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। वह अपने पोती पोतों का ख्याल रखती थी। गोलू और राधा के माता पिता का मृत्यु हो गया था, जिससे वे अपने नानी के घर पे ही रहते थे। उन दोनों बच्चों को पता था कि नानी उसकी एक चुड़ैल है, फिर भी वह अपने नानी के साथ खुशी खुशी रहते थे, क्योंकि नानी चुड़ैल उनका अच्छा से ख्याल रखती थी। जो वे मांगते उनको वो तुरंत देती। अरे नानी चुड़ैल माँ, चलिए आज घूमने का मन कर रहा है, थोड़ा सा बाहर घुमा दीजिए। अरे गोलू, तुम जानते हो ना मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँ तुम ही बताओ, या तो मैं अपना भेष बनाऊँ, अगर ऐसे निकलूंगी तो लोग पहचान जाएंगे ना। चलो तुम इतना जिद कर रहे हो तो चल देते हैं घूमने। नानी चुड़ैल अपने आप को एक इंसान के रूप में ला देती है, उन बच्चों को लेकर घुमाने चली जाती है। इसी प्रकार समय बीतता गया और वह अपने बच्चों का ख्याल रखती थी और वे जो मांगते उसको पूरा भी करती। एक दिन चुड़ैल माँ अकेली बैठी थी और अपने से बोल रही थी। अरे अब तो मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ, लगता है मैं अपने बच्चों का इच्छा नहीं पूरी कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा शक्ति अब कम होता जा रहा है। ये हमसे कुछ मांगेंगे तो कैसे मैं इनकी इच्छा पूरी करूंगी, मेरी शक्ति ही कमजोर हो रही है। मैं यहाँ तक खाने का भी व्यवस्था नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं कमाने तो जा ही नहीं रही हूँ। क्या करूँगी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे शक्तिहीन के वजह से इनको प्रॉब्लम ना हो पाए। इतना सोच ही रही थी कि वहाँ पर एक बिच्छुक बाबा आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे कोई है इस घर में, मुझको भिक्षा दे दो और अपना कल्याण पाओ, भिक्षा दो जल्दी से। इतना कहते ही वह चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, लीजिए बाबा ये भिक्षा पकड़िए। वह बाबा जैसे ही नानी माँ को देखता है, वह समझ जाता है कि यह एक चुड़ैल है और वह तुरंत पीछे हट के बोलता है, अरे तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम्हारे हाथ में भिक्षा नहीं ले सकता, तुम क्यों यहाँ पर हो, तुम चुड़ैल हो, जाओ अपने चुड़ैलवास में जाओ, जाओ अपने संसार में जाओ। इस इंसान के संसार में तुम क्या कर रही हो, और यहाँ पर आके भला नहीं कर रही होगी, पक्का किसी न किसी का नुकसान तुम कर रही होगी, चलो यहाँ से जाओ, नहीं तुमको मैं भस्म कर दूंगा। मैं लगता जरूर बिच्छुक हूँ, लेकिन मेरे पास शक्ति है तुमको भस्म करने के लिए। अरे बाबा आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, यहाँ मैं खुद परेशान हूँ कि मैं चुड़ैल जरूर हूँ, लेकिन जब मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, मेरे पास तो शक्ति भी नहीं रहेगी ना कि मैं उनकी इच्छा को पूरा कर पाऊँ, यहाँ तक वे खाना भी मांगेंगे तो मैं कहाँ पर पाऊंगी। बाबा आप ही बताइए, और आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर नुकसान कर रही हूँ, नहीं बाबा आप गलत हैं, मैं अपने घर पे ही हूँ और मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ। बाबा आप चाहें तो चले जा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जब तक जीवित रहूंगी अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी बाबा। अच्छा ठीक है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुम अपने घर से निकलो और जंगल की तरफ चले जाओ और बाएं मुड़ोगी तो तुमको एक पेड़ दिखेगा, वह पेड़ साधारण नहीं एक जादुई पेड़ है, तुम मुझसे अपना वरदान मांगना, वह जरूर तुम्हारा इच्छा पूरा करेगा। हाँ लालच मत करना, ईमानदारी से काम करना। इतना कह के बाबा भिक्षा लेकर वहाँ से चला जाता है और वह नानी माँ चुड़ैल बन के चल देती है और वह जंगल जंगल चलने लगती है और देखती है कि वह पेड़ सच में उसको दिख जाता है। वह पेड़ के पास जाकर बोलती है, अरे जादुई पेड़, क्या तुम मेरा मदद करोगे, मैं बूढ़ी एक चुड़ैल हूँ जिसके पास शक्ति भी नहीं है, और मेरे पास दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारी कुछ सहायता चाहिए, या तो मुझे शक्ति दे दो कि मैं उनको पाल पोस सकूं, या तो तुम उनकी रक्षा करो और मुझे इस भूत से छुटकारा दिला दो। हे महान पेड़ आंखें खोलो और मेरी इच्छा को पूरा करो, हे महान पेड़ तुम सुन रहे हो ना, मैं क्या करूं तुम सुन लो थोड़ा सा। चुड़ैल के इतना बोलते ही वह जादुई पेड़ वहां पर अपना आंखें खोल लेता है और बोलता है, अरे बूढ़ी औरत, तुमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, मैं तुम्हारे वास्तविकता को जानता हूँ, तुम एक अच्छी चुड़ैल हो, किसी का तक नुकसान नहीं की हो, इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम जाओ स्वर्ग में और दूसरी जिंदगी पाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूँगा, उनको कोई कमी नहीं होने दूंगा।
इतना कह के वह जादुई पेड़ उस बूढ़ी चुड़ैल की आत्मा को शांति दिला देता है और बिना कुछ बताए वह चुड़ैल नानी माँ के रूप में आ जाता है और वह उन बच्चों का ख्याल रखने लगता है और वह बच्चे भी खुश रहते हैं। जो भी मांगता वह पेड़ उनको देता और उनकी खूब अच्छे से ख्याल रखता। इसी प्रकार वे बच्चे और वे पेड़ अपना जिंदगी खुशी खुशी जीने लगे। उन पेड़ को बच्चे मिल गए, बच्चों को उनकी नानी मिल गई। शिक्षा, यदि आप किसी का कभी भी बुरा नहीं करते हैं तो आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होता। यह कहानी है एक विष पूरा करने वाली चुड़ैल की जिसका नाम रेशमा था। वह इस गांव के एक घर में नौकरानी का काम करती थी और जब जब उसका मन करता तो चुड़ैल बनकर लोगों के खून पीने के लिए चली जाती। अरे कई दिन हो गए हैं इंसान का खून चखे, आज चले क्या चखे। तब वह एक औरत के रूप में आ जाती है और वहाँ से चल देती है और एक घर में जाकर वहाँ रुकती है और उस घर के मालकिन से बोलती है, अरे यहाँ कोई है, थोड़ा सा सुनो और मेरे पास आओ। अगर मेरे पास आओगी तो तुमको बहुत सारा मैं धन दूंगी, दौलत दूंगी, जो तुम मांगोगी वो मैं दूंगी, आओ यहाँ पर। अब वह घर की मालकिन जब इतना सुनती है तो जल्दी से आकर उससे बोलती है, अरे तुम तो एक औरत हो, तुम कैसे क्या मुझको दे पाओगी। क्या मजाक करती हो तुम, क्या चाहिए तुमको, क्या मांगने आई हो यहाँ पर। तुमको मजाक लग रहा है, अरे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे मजाक में मत लो। अगर तुमको जो चाहिए तुम आंखें बंद करो, मैं तुमको तुरंत दूंगी। अच्छा ठीक है, मुझको तुम दो बहुत सारे सोने दे दो और बहुत बढ़िया घर बना दो। ठीक है, तुम अपना आंखें तो बंद करो। वह औरत जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है वह चुड़ैल उसको मारकर उसका खून पी लेती है और वहां से चली जाती है और फिर से जाकर उसी घर में नौकरानी का काम करने लगती है। तभी एक आदमी हाँपते-हाँपते उस घर में आता है। अरे यार तुमने सुना क्या, आज बगल के पड़ोस वाले के घर में उसको मार दिया कोई। बोल रहे हैं लोग कि कोई विष देने वाली एक औरत आई थी और उसको मार दी और मार के उसका अंग खा के चली गई। अरे तुम सच कह रहे हो क्या, अरे तब तो बड़ा सतर्क रहना होगा, अब तो भाई साहब किसी को अंदर नहीं आने देंगे। अब चुड़ैल ये सब सुन रही थी और वह मन मन में मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसको एक बात खटक रहा था। अरे अब क्या होगा, सभी लोग तो मुझे घर के अंदर आने ही नहीं देंगे और जाते ही वक्त मारने लगेंगे, चलो देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। फिर इतना सोचकर वह फिर से चल देती है और जैसे ही वह एक घर को देखती है उसके अंदर जाकर बोलती है, अरे आओ जितना धन चाहिए उतना लो, जितना रुपए चाहिए उतना लो, कपड़े चाहिए, धन चाहिए, जो चाहिए तुम ले सकते हो, आओ। अब उस घर की मालकिन समझ गई कि वही चुड़ैल आई है तो वह तुरंत फोन लगा देती है और बहुत सारे लोग उसके पास आ जाते हैं और वह यह सब देखकर डर जाती और वह वहां से तुरंत भाग जाती है। अरे अब क्या होगा, अब तो कोई अपने घर में आने ही नहीं दे रहा है तो मैं कैसे खून पीऊंगी सबकी। तब वह चुड़ैल एक योजना बनाती है और वह एक बाबा के भेष में आ जाती है और एक जगह बैठ जाती है और एक आदमी जा रहा था उसको उसने खूब धन दिया, खूब पैसे कपड़े दिए ताकि वह जाके लोगों को बताए। पूरे गांव में यह फैल चुका था कि कोई बाबा आया है और जो चाहिए वो तुम मांग सकते हो। और अब लोग जाते और वहां पर जाकर अपनी इच्छाओं को मांगते और वह चुड़ैल उनको आंख बंद करने के लिए कहती थी और जैसे ही लोग आंख बंद करते वह चुड़ैल उनको मार डालती थी और मारकर उनके अंग को खा लेती थी। अब ऐसे ही करते करते कई लोग मर चुके थे और यह गाँव में अफवाह फैल गई कि कोई अपने गाँव के आदमी को मार रहा है। तभी एक आदमी वहाँ पर विष मांगने के लिए जाता है और एक औरत वहाँ से आ रही थी तो वह छुपकर देखने लगी और जैसे ही वह देखी कि वह आदमी विष मांग रहा है और आंख बंद किया, वह चुड़ैल तुरंत उसको मार के खा ली। अब वह औरत आके गांव वाले को बता दी। तब गांव वाले एक अघोड़ी बाबा को वहाँ पर लेकर जाते हैं। अब अघोड़ी बाबा उस चुड़ैल के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे बाबा हमको थोड़ा सा धन चाहिए, मुझको खाना चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए,
मैं एक सन्यासी हूँ और मैं काम धंधा नहीं करता, जिसके वजह से मेरे पास कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप ये सब मुझे दे दें ताकि मैं एक दरे बैठ के अपने तपस्या को पूरा कर पाऊँ। ठीक है, तुमको सब मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम अपना आँख बंद करो। अब बाबा आँख बंद करता है तो वह चुड़ैल के रूप में आ जाता है और वह तुरंत उसको मारने वाला ही होता है। बाबा उसके ऊपर भभूति फेंक देता है और जिसके वजह से वह जलने लगता है और जलते जलते वह बोलता है, अरे अरे इसको रोको पहले, इसको रोको पहले, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इसको रोको पहले। अरे चुड़ैल, मैं रोक दूंगा, लेकिन तुम बताओ ये सब क्यों कर रही हो। तब बाबा उसको रोकता है और चुड़ैल बताती है, बाबा मैं एक बार अपने घर के बाहर निकल गई और रास्ते में जा रही थी तो एक अघोरी बाबा आप ही की तरह आया और कहा, बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बताया और उसने कहा कि जो तुमको मांगना हो तुम मांग सकती हो। तो मैंने कहा मुझे बहुत सारा धन दे दीजिए और कुछ कपड़े और खाने के लिए दे दीजिए बाबा। तो बाबा उसने मुझको मार कर और मेरे शरीर को खा लिया। अब बताइए बाबा मैं क्या करूं? मैं भी यही कर रही हूं, मेरे साथ जो हुआ मैं वही कर रही हूं। मैं उस इंसान से तो बदला नहीं ले पाई, लेकिन मैं इस गांव वाले की बदला ले रही हूं, क्योंकि गांव वाले देख रहे थे जब मुझको वो मार रहा था, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं पड़ा कि वह जाकर मुझे बचा ले। ठीक है, जो तुम्हारे साथ हुआ वह गलत था, लेकिन तुम सबसे बड़ी पाप ये कर रही हो, क्योंकि सारे गांव वाले को इस तरीके से मारना गलत बात है और यह पाप है। इतना कह के इस चुड़ैल को भस्म कर देते हैं और वह चुड़ैल मर जाती है और बोलते हैं, गांव वाले तुम लोग सुनो, इस चुड़ैल को मैंने मार डाला है, अब घबराने की कोई बात नहीं है, तुम लोग जैसे जीते थे वैसे अपने जिंदगी को जियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना कह के अघोरी बाबा वहां से चला जाता है और गांव में सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी जी